फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हम अपने सेशन में जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर चलेंगे। हमने इसके पहले अगस्त के कवर किए थे, अभी प्रीवियस मंथ के लेकर चल रहे हैं। फिर सितंबर के जब और अच्छे इंपॉर्टेंट अफेयर्स कलेक्ट हो जाएंगे तब उसके लिए आपके लिए वीडियो बना देंगे। अभी के लिए आज के वीडियो में हम जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स से लेकर, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करेगा। उसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड है शिक्षा10। आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन की एडवांटेज, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो भी एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आप उनसे पढ़ सकेंगे सिस्टमेटिकली। प्रिपरेशन और साथ ही साथ रिविजन चलेगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, PDFs आपको मिल जाएंगी सारी जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। डाउट सेशंस चलते हैं और लाइव क्लास में आप पढ़ने के साथ साथ उसी टाइम अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कि जैसे लिखा है वीकली प्रश्नोत्तरी, सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेस, PDFs अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं और एजुकेटर साथ ही साथ आपको गाइड करते चलेंगे हर लेवल पर, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन कोर्स था वो आपको डिस्काउंट पता है 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। आप जब ज़्यादा मतलब 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर्स का अगर लोगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक, क्योंकि ऑफ डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक। साथ ही साथ एक चीज़ और, रेलवे की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से एक नई चीज़ है, वो रेलवे एग्ज़ाम चैम्पियनशिप है। उसमें क्या है, 25, 26 और 29 अक्टूबर को टेस्ट सीरीज़ होगी। उसमें सब्जेक्ट कौन से, मैथ्स, रीजनिंग और GA से टेस्ट होगा। उसमें top 3 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ एक्साइटिंग प्राइसेस दिए जाएंगे, ठीक। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ चार्जेस नहीं लगने। दो बेनिफिट्स हैं आपके लिए। पहला, आप टेस्ट दे सकेंगे, आपको जो भी प्रिपरेशन है आप उसको टेस्ट के माध्यम से अपना देख सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन चल रही है। और साथ ही साथ अगर आप top 3 में आए तो आपको प्राइजेस मिलेंगे, ठीक। तो ये आप देखिएगा ज़रूर। शुरू करते हैं हमारी वीडियो जो है आज की, जुलाई करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई या 29 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक। पर्यावरण द्वारा 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अभी एट प्रेजेंट बाघों की संख्या क्या है, तो अभी है 2967, ठीक। एट प्रेजेंट बाघों की संख्या है 2967 और सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, ठीक। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। संख्या कितनी है एट प्रेजेंट, 2967 और सर्वाधिक संख्या इनकी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इम्पोर्टेंट करेंट का टॉपिक, एटॉमिक पावर स्टेशन में 3rd reactor CAP-3 का परिचालन शुरू किया, यह किस राज्य में है। जो हाल ही में अभी मतलब जुलाई में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन का जो 3rd reactor है वो लॉन्च किया गया, उसका परिचालन शुरू किया गया, तो यह किस राज्य में है। ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी गुजरात राज्य में स्थित है। जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये गुजरात में गुजरात के सूरत से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक। गुजरात से के सूरत से 80 किलोमीटर के दूरी पर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसमें 700 मेगावाट का रिएक्टर लगाया गया है, ठीक। जो बोला है 3rd reactor CAP-3, इसका कितनी पावर है, 700 मेगा 3। जो CAP-3 का रिएक्टर है इसकी पावर कितनी है, 700 मेगावाट का जो रिएक्टर है लगाया गया है। पहला इतनी
फ्रीक्वेंसी का रिएक्टर होगा। इसके पहले जो रिएक्टर लगा था वो महाराष्ट्र में था, अभी तो ये फर्स्ट हो गया। इसके पहले जो रिएक्टर था, जो पहला माना जाता था कि ये हाईएस्ट है, तो वो कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था, और कितनी? 540 मेगावाट का था वो, ठीक। तो अभी हाल ही में जो तीसरा लगा है वो कितना हो गया? गुजरात में लग गया 700 मेगावाट का, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो रिएक्टर लगा है ये किसके द्वारा लगा है? जो ये CAP-3 रिएक्टर है ये किसके? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी NPCIL के द्वारा CAP-3 ये जो रिएक्टर है लगा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, NPCIL। इसका लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या है? तो लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका परिचालन शुरू किया गया है, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात में किस सूरत में उसे 80 किलोमीटर दूर किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 18 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। इसकी थीम क्या थी? थीम थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। इंग्लिश में देखें तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यानी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने घर घर योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली। तो जो घर घर राशन बांटने की योजना शुरू की गई है किस राज्य के द्वारा? तो ये दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई? ये जब COVID-19 की पैंडमिक शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था तो चीज़ें लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पा रही, तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था कि उनको घर घर राशन पहुँचाया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो, ठीक। तो किस राज्य सरकार ने किया था? दिल्ली ने। नेक्स्ट, हाल ही में रोशनी नगार मल्होत्रा किस IT कंपनी की अध्यक्ष नियुक्त हुई? रोशनी नगार है, जो शिव नगार है, शिव नगार कौन है मैं भी बताऊंगी आंसर डिस्कस करने के बाद, उनकी बेटी है ये। तो किस पूरा किस IT कंपनी की अध्यक्ष नियुक्त हुई है? TCS, इन्फोसिस, HCL Tech या Mindtree? तो किस IT कंपनी की? HCL Tech की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो जो HCL के संस्थापक हैं शिव नगार, उनकी बेटी हैं ये, ठीक, शिव नगार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HCL Tech, रोशनी नगार मल्होत्रा HCL Tech की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। नेक्स्ट, भारत में पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा, पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। डी ऑप्शन कट गया है तो उसको आंसर नहीं है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया है? तो बी हो जाएगा, मतलब दिल्ली में पब्लिक चार्जिंग इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर देखने के पहले थोड़ा नेल्सन मंडेला पुरस्कार का देख लें कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये हर 5 वर्षों में दिया जाता है। हर 5 वर्षों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो बिना किसी भेदभाव के या अपने
अपने पर्सनल लाइफ को हट के लोगों के लिए कुछ करते हैं, ठीक। तो ये उनको दिया जाता है हर 5 वर्षों में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब किया गया था, तो 2014 में इसकी शुरुआत स्थापना कह सकते हैं। तो कब हुई थी, 2014 में, और पहली बार ये कब दिया गया था, 2015 में। तो हर 5 वर्षों में दिया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई, पहली बार कब दिया गया, तो 2015 में दिया गया, तो 5 वर्ष 2020 में दिया गया। तो किसको दिया है, ऑप्शन है मोरिसाना कायक या और मारियाना वर्दीवाइनस, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थनबर्ग, कैलाश सत्यार्थी और ग्रेटा थनबर्ग। तो किसको मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, मोरिसाना कायक और मारियाना वर्दीवाइनस। इन दोनों को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना है ये किस राज्य ने किया, तो हरियाणा ने इस योजना का कुछ स्टार्ट किया। इसके योजना के बारे में, इस योजना को शुरू किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, इस योजना की को बोला गया था कि आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एफ एक ब्लीक्स के लेखक हैं, ऑथर से क्वेश्चन आता है, तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एफ एक ब्लीक्स के लेखक कौन हो जाएंगे, स्टीफन किंग। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टीफन किंग एफ एक ब्लीक्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। वान कर्मन पुरस्कार 2020, तो ऑप्शन है राज रेड्डी, हरिओम श्रीवास्तव, के सी वान या इनमें से कोई नहीं। तो किसको सम्मानित किया गया है, के सी वान को। इसरो के जो चेयरमैन है के सी वान, इनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1982 से की गई थी, ठीक है। वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, के सी वान को। इसरो के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर स्थापना वगैरह सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। 10 जुलाई को एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ऑप्शन है रीवा के मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, सीकर राजस्थान या बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो जो एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है वो रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया है। यहाँ पे 750 मेगावाट के तीन, तो मतलब 250 मेगावाट ईच का जो प्लांट है वो लगाया गया है, ठीक। रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट के तीन अलग अलग, मतलब 250 मेगावाट का ईच प्लांट लगाया गया है, कहाँ पे, रीवा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभ्यारण में अपग्रेड करने, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था वो वन जीव अभ्यारण में अपग्रेड किया गया। तो यह किस राज्य ने इसको इसकी घोषणा करी है, तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय। तो किसने करी है, असम राज्य ने ये घोषणा करी है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इसे याद रखिए कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम से रिलेटेड है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा करी है असम सरकार ने। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसके तहत विश्व में सबसे अधिक ई वेस्ट, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ई वेस्ट उत्पादित करने वाला कौन सा देश है। तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या जापान। ऑप्शन से दो ही क्लियर हो सकते हैं, चीन या भारत में से कोई एक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चाइना जो है
ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पादित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो जुलाई तक की रिपोर्ट आई है उसमें चाइना है, तो आंसर हो गया चीन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDG इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है, इंडिया का पूछा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ऑप्शन है 94, कौन सी रैंक है 94, 102, 117 या 121, तो भारत का स्थान कहाँ पे, 117वें स्थान पे है भारत। ठीक, इस सूची में 166 देशों की देशों में टोटल कितने 166 देश थे, जिसमें से 117 स्थान भारत का था है। ठीक, और फर्स्ट पहला कौन है इसमें, पहला स्थान अगर पूछता है तो पहला है स्वीडन का। ठीक, भारत की रैंक होगी 117वीं और पहला स्थान अगर पूछता है तो स्वीडन पहला देश हो जाएगा। आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान फे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे का प्रभाव किस देश में देखने को मिला, ऑप्शन न्यू जर्सी, जकार्ता, मियाके या विशाखापट्टनम, तो किस देश में मिला देखने को, न्यू जर्सी में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था फे उसका प्रभाव देखने को मिला, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट, इसकी स्पीड अप्रॉक्स 80-85 के अराउंड थी किलोमीटर पर आवर। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया, ऑप्शन है जापान, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम या कतर, तो किस देश ने लॉन्च किया सबसे पहला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और इसने ये जो है जापान के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात और जापान, जापान के साथ मिलकर जो नया पहला मंगल मिशन है होप उसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात और जापान। आगे, हाल ही में किसे पहला मानवता के लिए ग्लोबेकियन पुरस्कार, पहला मानवता के लिए ग्लोबेकियन पुरस्कार मतलब ग्लोबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी प्रदान किया गया, ऑप्शन मलाला यूसुफ़ज़ई, ग्रेटा थनबर्ग, अमर्त सेन या इंदिरा नुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला ग्लोबेकियन पुरस्कार है किसको दिया गया, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ये कौन है, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं मतलब पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा कि 2020 में जो ग्लोबेकियन पुरस्कार है वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया, साथ ही साथ एक चीज़ और कि 2019 में इनको ग्रेटा थनबर्ग को ही 2019 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड था उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जो ग्लोबेकियन पुरस्कार है ग्रेटा थनबर्ग, और 2019 में जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो भी इनको ग्रेटा थनबर्ग को से इनको सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऑप्शन है दिल्ली, गोवा, हरियाणा या पंजाब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा जो है वो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा, इसमें जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर जो
खेल मंत्री किरण रिजिजू और जो हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरियाणा को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी का भार सौंपा है। ठीक, जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये ओलंपिक 2020 के बाद होंगे, मतलब अब 2020 में ओलंपिक भी स्थगित कर दिए गए कोविड की वजह से, जो 2021 में होंगे तो उन ओलंपिक के बाद इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो किसको मेजबानी का भार दिया गया, हरियाणा को। आगे 5 जुलाई 2020 को संपन्न फॉर्मूला वन रेस, F1 रेस जिसको कहते हैं, इससे काफ़ी एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम्स में जो जीता होता है। F1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर्क, वॉल्टेरी बोट्टास या सेबेस्टियन वेटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दबाजी में लूज, क्योंकि लुइस हैमिल्टन काफ़ी फेमस F1 रेसर हैं और पहले काफ़ी जीते भी हैं, तो ये ऑप्शन टिक कर रहे थे। बट जो अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स की बात करिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, वॉल्टेरी बोट्टास को जो F1 फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है वो कौन जीता है, वॉल्टेरी बोट्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया, ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो किसने शुरू किया है, दिल्ली ने ये जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल है रोज़गार बाजार ये शुरू किया है, ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से किया गया क्योंकि काफ़ी लोग इससे इफेक्ट हुए जिनकी जॉब्स की, तो उस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, तो किससे, दिल्ली ने ये पोर्टल शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में मार्स 2000 मिशन किसने लॉन्च किया, मार्स 2000 मिशन की बात की गई तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो मार्स 2020 मिशन था नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो वही है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन मंगल ने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। शक्तिशाली एक्लस वी रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है, कौन सा रॉकेट का नाम, एक्लस वी। आगे अब जो दो मेन है पॉइंट इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, जो रोवर का नाम पूछता है, जैसे चंद्रयान भी जब हुआ था तो उसमें रोवर सारे ऑर्बिटर के नाम पूछे थे, तो वही क्वेश्चन है। तो रोवर जो है, तो इस मंगल मिशन में नासा ने अब तक का सबसे बड़ा रोवर भेजा है, इस रोवर का नाम क्या होगा, परसीवरेंस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पहला तो किसने, किस एजेंसी द्वारा, तो नासा द्वारा पहला कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, तो एटलस वी रॉकेट। रोवर का नाम क्या है, परसीवरेंस। इंजन के क्या है, ये नाम याद रखिएगा, नासा के रोवर के साथ, जो रोवर भेजा है परसीवरेंस उसके साथ एक के साथ इंजीनियर नामक एक छोटा हेलीकॉप्टर, इंजीनियर क्या है, एक छोटा हेलीकॉप्टर में मंगल पर भेजा गया, तो रोवर का नाम क्या हो गया, परसीवरेंस। और उस रोवर जो परसीवरेंस है उसके साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भेजा है जिसका क्या नाम है, इंजीनियर। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उद्देश्य क्या था इसका, जो मार्स 2020 मिशन है, उद्देश्य पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, जो यहाँ से जो भी साक्ष्य कलेक्ट हो सकते हैं जिससे सारी रिपोर्ट निकल सकती है वो चीज़ें कलेक्ट करना, तो वही है पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, पुराने जीवन की तलाश करना और मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना, कि इसके अलावा मंगल की सतह पर पानी खोजना। पानी और ऑक्सीजन तो बहुत ही कॉमन चीज़ है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही खोज करी जा रही है इसकी, यही सारा उद्देश्य है। तो अब हमें ये देख रहे हैं, इसी से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके, रोवर जो छोटा हेलीकॉप्टर उसका नाम, किस एजेंसी द्वारा, और जो रॉकेट है उसका नाम। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो 3-4 मेन क्वेश्चन ही बनेंगे वो। तो क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया, तो अभी हमने पढ़ा कि किस एजेंसी द्वारा, तो नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, आगे, नासा मंगल ग्रह पर जिस मार्स हेलीकॉप्टर को उतारेगा उसका नाम क्या है, हेलीकॉप्टर पूछा है, अभी हमने पढ़ा कि रोवर के साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर जो है वो भेजा गया, तो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, इंजीनिटी। ठीक है, ए ऑप्शन, इंजीनिटी। नेक्स्ट, नासा के मार्स 2020 मिशन के रोवर का नाम क्या है, रोवर हमने पढ़ा तो रोवर का नाम क्या है, इंजीनिटी, यूटू, क्यूरियोसिटी या परसीवरेंस, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, परसीवरेंस। रोवर का नाम परसीवरेंस और उसी रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर भेजा गया
जिसका नाम क्या, इंजीनिटी। ठीक, तो ये था हमारी एक चीज़ और जो भी बीच में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, नवीन रोजगार छतरी योजना। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं के कुछ लोगों को, अनुसूचित जाति के कुछ गरीबों को सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता और भी जो भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, 36,000 अनुसूचित जाति के गरीबों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो किसने, उत्तर प्रदेश शुरू की, 36,000 लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने जितने भी करंट अफेयर्स थे इम्पॉर्टेंट जुलाई के वो कवर किए। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने उनको ही पिकअप किया है ताकि आपके एग्जाम्स में इससे कुछ फंस सके। ठीक, तो कमिंग में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने सेशन, अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।